Hello all, this is a very important video where we will be talking about massive online open online courses SWAYAM, SWAYAMPRABHA and INFLIBNET. First of all, a very warm welcome from Alisha Academy. This is your educator Shreya Jha and we are targeting NTA UGC NET JRF December 2019. This is unit number 10, that is higher education. So if you look at the syllabus, we are covering evolution of higher learning and research in post-independence area. Halanki hum isko yahan bhi place kar sakte hain, non-conventional learning programs in India are also covered. So, ye jo particular video hai, bahut sare competitive exams ke liye aur bhi important hai because ye jo aaj hum topic discuss karne wale hain, wo recent developments hai higher education ka, to bahut sare competitive exams mein jo hai, aap isko utilize kar sakte hain. Without wasting any time, let's begin. मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, इसको हम टुकड़ों में तोड़ के समझते हैं. मैसिव मतलब क्या होता है? मैसिव्स आर बेसिकली कोर्सेज डिलीवर्ड टू मैसेस. तो यहाँ पे जो इनरोलमेंट्स होती है वो बहुत सारी हो सकती है, जैसे कि थाउजेंड्स हो सकता है, लैक्स हो सकता है. बहुत सारी मैसेज जो है इसमें इनरोल कर सकती है. ओपन मतलब जो है सबके लिए ओपन है. सो एनीबडी कैन इनरोल, देर इज नो एडमिशन प्रोसेस हियर. ऑनलाइन की यदि हम बात करें तो इंटरनेट के माध्यम से, और कोर्सेज की यदि हम बात करें तो कोर्सेज मतलब एक हमारा गोल होता है एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को रीच करने के लिए. तो अब तक आपको एक बेसिक मीनिंग समझ में आ गया होगा. मूक जो है ऐसा प्लेटफॉर्म है जो मुफ्त शिक्षा प्रदान करती है ऑनलाइन इंटरनेट के माध्यम से, जिसको हम एक्सेस कर सकते हैं. एक और बात ध्यान देने योग्य है कि यहाँ पे जो मूक के जो फीचर्स हमने डिस्कस किए हैं वो एक जनरल फीचर्स हैं और वेरी कर सकते हैं प्लेटफॉर्म टू प्लेटफॉर्म. सो एक बार हम हिस्ट्री देख लेते हैं. मूक का जो टर्म है, हिस्ट्री ऑफ मूक, वॉज क्वाइंड इन 2008 बाय दवे कॉर्मियर ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ प्रिंस एडवर्ड आइलैंड इन रिस्पॉन्स टू अ कोर्स कॉल्ड कनेक्टिविटिज्म एंड कनेक्टिव नॉलेज. सो सी सी के इज कनेक्टिविटम कनेक्टिविज्म एंड कनेक्टिव नॉलेज एंड 08 इज अ ईयर 2008. तो आप याद रखें इस चीज़ को. आगे बढ़ते हैं कुछ जनरल फीचर्स पे यदि हम चर्चा करें तो मूक प्लेटफॉर्म्स पे आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, रीडिंग मटेरियल, बुक्स एक्सेट्रा मिलेंगे, क्विज एक्टिविटीज है, फोरम है जहाँ आप एक दूसरे के साथ डिस्कशन कर सकते हैं, सेक्शनल टेस्ट और एग्जाम आदि चीज़ें जो है मिलती है. लेट्स टॉक अबाउट फ्यू ऑफ द मूक प्रोवाइडर्स. सो यदि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम देखेंगे तो वी हैव लाइक प्लेटफॉर्म्स लाइक यूडेसिटी, ईडीएक्स, कोर्सेरा. इसके अलावा आप बहुत सारे और भी प्लेटफॉर्म्स हैं, आईवर्सिटी है, फ्यूचर लर्न है. सो दीज आर जस्ट टू नेम अ फ्यू. अराउंड पूरे वर्ल्ड की अगर हम बात करते हैं तो 700 यूनिवर्सिटीज़ हैं, 7000 से भी ज़्यादा कोर्सेज हैं जो इस पॉपुलर मूक प्लेटफॉर्म के अंदर आप देख सकते हैं. तो शिक्षा के क्षेत्र में जो है मूक को एक आप क्रांति रिवॉल्यूशन बोल सकते हैं. आज का जो युग है वो ऑटोनोमी का युग है. शिक्षा के माध्यम से जो है आवश्यकता ऐसी शिक्षा देने की है जहाँ पर हम अपने कंफर्ट जोन में रहकर अपने समय के अनुसार जो है ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं. यहाँ पे आपको सर्टिफिकेशन भी मिलते हैं, बैजेस कह सकते हैं, कोर्स पे देख सकते हैं और भी बहुत सारे जो भी अभी तक हमने चर्चा की है. तो मूक प्लेटफॉर्म पे जो ज्ञान प्राप्त आप करते हैं, सबसे मेन जो डिफिकल्टी होती है कि बहुत ज़्यादा कुछ होता है पढ़ने के लिए, समझने के लिए, और हम जो है कभी कभी जो लॉस्ट हो जाते हैं कि हम क्या पढ़ें और क्या ना पढ़ें. अ क्विक टिप अराउंड इट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड योर गोल. आप जो है अपने लक्ष्य के बारे में सोचिए और लक्ष्य के भीतर भी, फॉर एग्जाम्पल यू आर वॉन्टिंग टू स्टडी ओनली अ पर्टिकुलर टॉपिक, तो आप लक्ष्य के भीतर भी केवल जो अभी के लिए जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है उस एट दैट मोमेंट का जो है ज्ञान लें. सो फ्रेंड्स अंडरस्टैंड वन थिंग दैट दिस इज एड्रेसिंग अ जनरल लर्निंग डिफिकल्टी. ऑन इंटरनेट वी हैव सो मेनी गुड रिसोर्सेज एंड समटाइम्स वी गेट स्टक, कन्फ्यूज या डाइवर्टेड हो जाते हैं. तो इसलिए हमें हमेशा ये याद रखना है, फोकस का सिर्फ एक ही की है कि आप पहले एक स्टेप पीछे जाएं, सोचें कि आप क्यों यहाँ पे आए थे एट फर्स्ट प्लेस, और उसके बाद जो है आप सर्टेनली एक बेटर डिसीजन जो है मेक कर सकते हैं टू मेक द मोस्ट ऑफ मूक प्लेटफॉर्म्स एंड एनी अदर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इन जनरल. कमिंग बैक टू आवर टॉपिक, अगर इंडियन लेवल पे बात करें तो मूक प्रोवाइडर्स में आप देख सकते हैं स्वयं, NPTEL जो है कुछ एग्जाम्पल्स हैं. स्वयं के बारे में हम आगे वाले स्लाइड्स में जो है डिटेल में थोड़ी चर्चा करने वाले हैं स्वयं, क्योंकि बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है.
अगर आप यहाँ से फुल फॉर्म भी देखते हैं, स्टार्ट करते हैं, स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स. अब आप देखेंगे एनटीए के ही कुछ पीछे एग्जाम्स में, जो हमारी एग्जाम वाली सीरीज चल रही है उसमें भी हम ये क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं. तो ये जो फुल फॉर्म्स हैं, यहाँ से इसको इंटरचेंज करके वर्ड्स को जो है क्वेश्चन बना देते हैं. तो स्वयं का फुल फॉर्म आप याद रखिए, स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स. और इसके अलावा जो है आप इसका टैगलाइन भी याद रखिए, शिक्षित भारत उन्नत भारत, इट्स अ फ्री ऑनलाइन एजुकेशन. चलिए स्टार्ट करते हैं. स्वयं जो है वो भारत सरकार द्वारा संचालित एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि 3 मेजर प्रिंसिपल्स पर जो है आधारित है. तो शिक्षा के क्षेत्र में जो है आपको एक्सेस होना चाहिए, इक्विटी होना चाहिए, समान अधिकार की बात करता है, और क्वालिटी गुणवत्ता पर जो है आधारित है. तो ये जो 3 पिलर है स्वयं के, ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और एग्जाम के दृष्टिकोण से भी आप इसको याद रखिए. चाहिए तो इसका एक आप नोट ले सकते हैं. बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स की. द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एफर्ट इज टू टेक बेस्ट टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज टू ऑल. तो यहाँ पे जो शिक्षा का जो उद्देश्य की बात हम कर रहे हैं, शिक्षित भारत उन्नत भारत इसका टैगलाइन जो हमने डिस्कस किया, तो स्वयं सीक्स टू ब्रिज द डिजिटल डिवाइस ऑफ स्टूडेंट who are not able to join the mainstream of knowledge economy. कहने का मतलब जो भी पिछले तबके के लोग हैं जो mainstream education प्राप्त नहीं कर पाए हैं, तो शिक्षा के माध्यम से online जो है स्वयं एक ऐसा platform देती है जिससे वो पढ़ सके और mainstream of economy के साथ जो है जुड़ सके, कदम से कदम मिलाकर चल सके. आगे बात करते हैं quadrants of स्वयं. So, आप देखेंगे स्वयं के क्वाड्रेंट्स को 4 भागों में जो हम विभाजित कर सकते हैं. पहला है वीडियो लेक्चर, दूसरी बात करते हैं स्पेशली प्रिपेयर्ड रीडिंग मटेरियल, और ये जो रीडिंग मटेरियल है हम इस पे आगे और डिटेल में चर्चा करेंगे कि ये कंटेंट कौन डेवलप करते हैं और कौन इसकी डिलीवरी करते हैं, ये सारे कोऑर्डिनेटर्स पे हम आगे चर्चा करने वाले हैं. देन इज द सेल्फ असेसमेंट टेस्ट, नेक्स्ट इज द ऑनलाइन डिस्कशन फोरम फॉर क्लियरिंग द डाउट्स. नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं 9 कोऑर्डिनेटर्स ऑफ स्वयं. सो ये काफ़ी सारे जो स्टेप्स हैं लिए गए हैं, और ये काफ़ी जो है बहुत ही बड़ा स्टेप है बिकॉज इतने सारे इंस्टीट्यूशंस जो हैं इससे जुड़े हुए हैं. तो उत्तम इसका उद्देश्य क्या है कि ये सारे इंस्टीट्यूशंस मिलके जो है उत्तम क्वालिटी का जो लर्निंग मटेरियल है उसको बनाया जाए और उनकी डिलीवरी की जाए. तो ये 9 कोऑर्डिनेटर्स को अपॉइंट किया गया है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है. इन सारे कोऑर्डिनेटर्स और बॉडीज पे जो है हम आगे आने वाले कुछ वीडियोस में एक एक पे काफ़ी विस्तार से चर्चा करने वाले हैं. फिलहाल इस वीडियो में हम केवल इनको संक्षिप्त में समझेंगे, ये 9 कोऑर्डिनेटर्स कि इनका स्वयं में जो है क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है. तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले बात करते हैं AICTE ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन. This is for self-paced and international courses. Next is CEC, Consortium of Educational Communication for undergraduate education. Next is IGNU. IGNU is Indira Gandhi National Open University. IGNU is popularly also known as People's University, and this is for out-of-school students. नेक्स्ट बात करते हैं IIMB, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बैंगलोर फॉर मैनेजमेंट स्टडीज. NCERT फुल फॉर्म भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, द नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग. NCERT इज फॉर स्कूल एजुकेशन. NIOS जो है अगेन स्कूल एजुकेशन के लिए, NIOS फुल फॉर्म है, द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग. नेक्स्ट बात करते हैं NITTR जो कि टीचर ट्रेनिंग से रिलेटेड है, फुल फॉर्म देख लेते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग एंड रिसर्च. नेक्स्ट NPTEL टेक्निकल है, अगेन इंजीनियरिंग से रिलेटेड है, फुल फॉर्म है, द नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी इनहैंस्ड लर्निंग. नेक्स्ट इज UGC, हमारा फेवरेट, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन फॉर नॉन टेक्निकल एंड पोस्ट ग्रेजुएशन. तो ये तो बात हो गई हमारी MOOC की और स्वयं की. उम्मीद करती हूँ आपको MOOC और स्वयं जो है वो क्लियर हो गया होगा. हालांकि समझाने जैसा तो हायर एजुकेशन में ज़्यादा कुछ नहीं है, हमारी कोशिश यही रहती है इस प्रेजेंटेशन के थ्रू
कि हम जो है ज्यादा से ज्यादा फैक्ट्स आपको ऐसे विजुअल पिक्चर्स के थ्रू आपको प्रेजेंट कर सके ताकि जो है आप उसको रिटेन कर सकते हैं. इसके अलावा अगर आपके कोई सजेशन है इससे रिलेटेड तो आप हमें कमेंट के थ्रू रीच आउट कर सकते हैं. हम ज्यादा से ज्यादा उन विषयों को जो है कवर करने की कोशिश करेंगे. मैंने पहले भी आपसे चर्चा की है कि हमारी ज्यादातर सीरीज का एक्सप्लेनेशन जो है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहता है. तो आप इसको ढेर सारे जो है लर्नर्स के साथ शेयर कीजिए ताकि बहुत सारे लर्नर्स और भी इसका बेनिफिट ले सकें. कमिंग बैक टू आवर लास्ट लेग ऑफ डिस्कशन फॉर टुडे, दैट इज स्वयं, स्वयं प्रभा. सो स्वयं वी हैव डिस्कस, स्वयं प्रभा इज, लोगों से याद रखिए, यहाँ पे एक डिश टीवी का एंटीना बना हुआ है, फ्री डीटीएच चैनल फॉर एजुकेशन. क्या है ये, थोड़ा और डिटेल में समझते हैं. स्वयं प्रभा जो है 32 चैनल का जो है एक समूह है, क्लस्टर ऑफ 32 चैनल्स. यहाँ पे 32 चैनल्स हैं और ये चैनल्स क्या करती हैं, हाई क्वालिटी एजुकेशनल प्रोग्राम ऑन 24/7 बेसिस. कहने का मतलब है जो है ये जो चैनल्स हैं ये रोज हाई क्वालिटी एजुकेशनल प्रोग्राम्स जो है डिस्प्ले करती हैं. तो आप यहाँ पे एक चीज और ध्यान देने वाली बात है कि ये जो प्रोग्राम्स हैं, न्यू कंटेंट यहाँ पे दिन में 4 घंटे जो है नए कंटेंट दिखाए जाते हैं और उन्हीं जो कंटेंट को है दिन में 5 बार और जो है रिपीट किया जाता है. तो छात्र जो है अपने समय अनुसार जो है इसको देख सकते हैं डेली बेसिस पे. प्लीज टेक अ नोट ऑफ इट, 32 डीटीएच चैनल 24/7 बेसिस, जीसैट 15 सैटेलाइट्स, 4 आवर्स ऑफ न्यू कंटेंट एंड 5 टाइम्स रेपिटेशन. बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आया भी हुआ है जिस पर हम चर्चा करेंगे अपने पास्ट एमसीक्यू वाले सीरीज में. सो दिस कंटेंट, ये कंटेंट कहाँ से आता है, ये कंटेंट जो है बहुत सारी बॉडीज जो है प्रोवाइड करती है. इस पर एक बार नजर डाल देते हैं, कंटेंट प्रोवाइडर्स ऑफ स्वयंप्रभा. तो बहुत सारी बॉडीज आप देखेंगे यहाँ पे जो है हमने ऑलरेडी इस पर चर्चा कर ली है. यहाँ पर एक खास इंस्टीट्यूशन की ओर आपके ध्यान केंद्रित करना चाहूंगी, एनपीटीएल हमने देखा, यूजीसी देखा, सीईसी, इग्नू, एनसीईआरटी, एनआईओएस, इस पर हमने चर्चा कर ली. आईआईटी एक डिफरेंट है यहाँ पे स्वयंप्रभा में, तो आप इसको याद रखें. और इसके अलावा मैंने ये डिटेलिंग यहाँ पे इसलिए भी की है ताकि ये जो फुल फॉर्म्स हैं आप इसका नोट ले सकते हैं या फिर इसका जो है स्क्रीनशॉट लेकर रख ले. बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कोई एक फुल फॉर्म यदा कदा पूछ ही लिया जाता है या नहीं तो फिर मैथ्स और कॉलम के टर्म्स में भी आपको पूछ लेंगे. या कभी कभी हमें सीईसी जैसे है, सीईसी हमें याद होगा लेकिन इसका फुल फॉर्म ही कभी कभी याद नहीं होगा. तो ऐसे करके आप जो है एक नज़र इस पर जरूर ध्यान दें. उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ये जो पोर्टल है स्वयं प्रभा का, इसको मेंटेन करता है इन्फ्लिबनेट. इन्फ्लिबनेट क्या है, इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क सेंटर, सूचना एवं पुस्तकालय नेटवर्क केंद्र. सो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि ये काफ़ी वाइड है, ऐसा नहीं है. अगर मैं आपको इसका एक ब्रॉड पिक्चर दूँ तो ये जो है इन्फ्लिबनेट का वेबसाइट है, यहाँ पे आप देखेंगे यूजीसी का भी लोगो है और ढेर सारी प्रोग्राम्स और प्रोजेक्ट्स जो है लिस्टेड है. तो इन्फ्लिबनेट यानी कि इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क सेंटर इज नॉट ओनली मेंटेनिंग द पोर्टल ऑफ स्वयंप्रभा, ये जो अपना स्वयंप्रभा है, उसके अलावा ये लॉट ऑफ प्रोग्राम्स और प्रोजेक्ट से भी डील करता है. सो इन सारी बॉडीज के साथ जुड़ा हुआ है इन्फ्लिबनेट. इन्फ्लिबनेट क्या है थोड़ा और जानते हैं. इन्फ्लिबनेट इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क सेंटर गांधीनगर इज एन ऑटोनमस इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर ऑफ UGC, University Grants Commission of India. So it is a major national program initiated by the UGC in March 1991 with its headquarters at Gujarat University Campus, Ahmedabad. तो इस चीज़ों को जो है आपको ध्यान में रखना है. इन्फ्लिबनेट के जो कंटेंट होते हैं वो हायर एजुकेशन को भी कवर करते हैं और स्कूल एजुकेशन को भी कवर करते हैं. तो ये जो करिकुलम की हमने बात की यहाँ पे जो है आपको हायर एजुकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट दोनों लेवल्स की, यानी कि अगर आप डिफरेंट स्ट्रीम्स की बात करें जैसे कि आर्ट, साइंस, कॉमर्स, लॉ, मेडिसिन, एग्रीकल्चर, ये सब जो स्ट्रीम्स हो गए तो ये आपको पोस्ट ग्रेजुएशन और अंडर ग्रेजुएट दोनों लेवल का जो है करिकुलम ये फॉलो करता है. और अगर हम स्कूल लेवल की बात करें तो यहाँ पे आपको 9th से 12th तक का दोनों का मिलेगा. पहली बात तो बच्चों टीचर को जो है इतना वेल इक्विप्ड बना सके ताकि वो बच्चों की है जो अच्छे से टीचर ट्रेनिंग के बाद जो है लर्निंग एड्स में बच्चों की हेल्प कर सके. और दूसरी बात बच्चों को जो है यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी जो है तैयार कराते हैं. नेक्स्ट बात करते हैं हाउ टू रिसीव स्वयंप्रभा चैनल. स्वयंप्रभा चैनल को आप एक्सेस कैसे कर सकते हैं. तो
अपने फ्री डिश एंटीना के थ्रू जो है डीटीएच सर्विस ऑफ दूरदर्शन कैन व्यू दीज एजुकेशनल चैनल यूजिंग द सेम सेट ऑफ बॉक्स. आपके घर में जो सेट ऑफ बॉक्स है ऑलरेडी उसके थ्रू ही अगर आपने डीटीएच दूरदर्शन का लिया हुआ है तो जो आप है उसको ये जो सारे चैनल्स हैं स्वयंप्रभा के 32 चैनल्स हैं, 32 चैनल्स पर भी एक बार नजर डाल देते हैं. तो ये सारे जो चैनल्स हैं जैसे कि चैनल 1 to 10 है ये मैनेज करता है, देखिए अलग अलग बॉडीज है, सीईसी मैनेज करता है, 11 to 18 एनपीटीएल मैनेज करता है. और अगर आपको इसकी और भी डिटेल जानकारी चाहिए तो या तो आप अपने घर में स्वयं ही देख सकते हैं या फिर आप जाकर के स्वयं की वेबसाइट पे देखें तो इसकी और भी डिटेलिंग मिलेगी. जैसे कि हमारे लिए चैनल 29 इंपॉर्टेंट है यूजीसी का है, उसके अलावा 32 भी है जो टीचर ट्रेनिंग वगैरह से डील करता है. तो ये सारी कुछ चैनल्स हैं, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट बट इट्स बेटर नॉट टू मिस आउट ऑन एनी इंफॉर्मेशन ताकि बिकॉज एनटी एग्जाम्स का जो पैटर्न है वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो रहा है और हमें नहीं पता है नेक्स्ट एग्जाम का लेवल जो है बढ़ता ही जा रहा है, नेक्स्ट एग्जाम में क्या आने वाला है. तो ये तो कुछ बात हो गई हमारी आज के वीडियो लेक्चर में. हमने डिस्कस किया मूक स्वयंप्रभा और इन्फ्लिबनेट पर कुछ और चर्चा की और आगे आने वाली सीरीज में बाकी जितने भी बॉडीज हैं हम एक एक करके डिस्कशन करेंगे, काफ़ी डिटेल में डिस्कशन करेंगे. तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही. अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें और अब तक के हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि ऐसे ऑसम लेक्चर्स की जो नोटिफिकेशन है आपको मिलती रहे. दैट्स ऑल, थैंक यू.